स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रश्न यह है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करिए। दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, ये cot थीटा बराबर जैसा कि दिया हुआ है 7/8, तो आपको पता है सभी को कि लाल बटे कक्का से आप लिख सकते हैं इसका जो मान है cot थीटा, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है और tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो उसका रेसिप्रोकल होगा आधार बटे लंब, यानी cot थीटा जो है वो आधार बटे लंब होता है और आधार और लंब का जो अनुपात दिया है वो 7/8 है। इसका मतलब आधार जो है आपका वो 7 की होगा और लंब जो है वो आपका हो जाएगा 8 के। तो आपको पता है आधार यहाँ पर 7 के है, लंब 8 के है। आपको ये भी पता है यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर तीसरी भुजा को भी ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। आप देख सकते हैं आधार यहाँ पर 7 के है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, लंब यहाँ पर 8 के है तो 8 के का स्क्वायर कर देंगे। 7 के का स्क्वायर निकालने के लिए 7 के को 7 के से गुणा करेंगे तो 7 को 7 से गुणा करने पर 49 आएगा और के को के से गुणा करने पर के स्क्वायर आएगा। इसी तरह 8 के का स्क्वायर निकालने के लिए 8 के को 8 के से गुणा करेंगे तो 8 का 8 से गुणा होगा 64 आएगा और के का के से गुणा होगा के स्क्वायर आएगा। अब 49 और 64 को आप जोड़ देंगे तो 9 और 4 13 के 3 हासिल लगा 1 6 4 10 1 11 113 के स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका निकल गया है कर्ण का स्क्वायर। अब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो राइट हैंड साइड में वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, यानी कर्ण जो है वो होगा अंडर रूट 113 के स्क्वायर। तो के स्क्वायर वर्गमूल के चिन्ह के बाहर आ जाएगा तो इसको लिखेंगे रूट 113 के, यानी कर्ण की वैल्यू रूट 113 के निकल आई। अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है लाल बटे कक्का से साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आप देख सकते हैं यहाँ पर लंब जो दिया है वो 8 के है जबकि कर्ण जो दिया है रूट 113 के है, तो अंततः हर से के कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 8 बटे रूट 113। इसी तरीके से अगर हम cos थीटा का मान निकालें तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर आपका 7 के है जबकि कर्ण आपका रूट 113 के है, तो आप देख सकते हैं अंततः हर से के कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 7 बटे रूट 113। तो आपने साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकाल लिए। अब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट आपको इवेल्युएट करना है, जो निकालना है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, इसमें आप साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को रख देंगे, उसको हल करेंगे, अंत में आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा का मान आप देख सकते हैं यह 8 बटे रूट 113 है। इसी तरीके से 1 माइनस 8 बटे रूट 113 लिख लेंगे और बटे में आप देख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा है तो 7 बटे रूट 113 लिखेंगे और 1 माइनस 7 बटे रूट 113 लिखेंगे। आप देख सकते हैं अंश में एक फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी गुणे ए माइनस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी को जब आप a माइनस बी से गुणा करते हैं
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ए के स्थान पे अंश में 1 है और बी के स्थान पे 8 बटे रूट 113 है। तो इसको हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर। इसी तरीके से हर में भी आप देख सकते हैं a प्लस बी गुणे ए माइनस बी है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ a का मान 1 है और b का मान 7 बटे रूट 113 है। तो इसको लिखेंगे a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर। अब आपको मालूम है 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 और 1 गुणे 1 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर को 1 लिखेंगे। और 8 का स्क्वायर 8 गुणे 8 होगा जो कि 64 होता है, और रूट 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो इस पर से रूट हट जाएगा। इसी तरीके से हर में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7 यानी 49 हो जाएगा, और बटे में रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंश तथा हर दोनों में जो एलसीएम आएगा वो 113 आएगा। अब 113 को हम यहाँ पर 1/1 लिख सकते हैं, इसमें 1/1 लिख सकते हैं, 113 को 1 से डिवाइड करेंगे 113 आएगा, फिर 113 की अंश में जो 1 है उससे गुणा करेंगे तो 113 मिलेगा, माइनस 113 को 113 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 64 से गुणा करेंगे 64 आएगा, बटे में फिर एलसीएम आप लेंगे तो 113 आएगा, यहाँ पर भी 113 माइनस 49 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों संख्याएं समान है, 113 ये कट जाएगी। अब 113 में से आप 64 को घटा देंगे तो आप देखेंगे 13 में से 4 घटेंगे तो ये 9 बचेगा, और इधर 10 में से 6 घटेगा तो ये 4 घटेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा 64। जब 113 में से 49 घटाएंगे 64 आएगा, और तो आपने देखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का जो मान है वो 59/64 आएगा। इसी प्रकार अब आप देख सकते हैं आपको जो मान निकालना है वो मान है कॉट स्क्वायर थीटा का। तो इसका मान निकालने के लिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए आप कॉट थीटा का मान यहाँ पे रख देंगे, फिर चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा है कॉट स्क्वायर थीटा है तो हम कॉट स्क्वायर थीटा है तो 7 बटे 8 का भी स्क्वायर कर देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान जैसा कि आपका दिया है 7 बटे 8 है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 7 बटे 8 का होल स्क्वायर का मतलब 7 बटे 8 गुणे 7 बटे 8। अब 7 को 7 से आप गुणा करेंगे तो आपको पता है ये 49 आएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो ये 64 है। थैंक यू।